नाइन, क्वेश्चन नंबर वन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट, ठीक है, ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट, फोर में देखो इस क्वेश्चन के अंदर बॉडी कवर्स वन थर्ड ऑफ इट्स जर्नी विद द स्पीड ऑफ यू, तो अगर टोटल जर्नी को हम एक्स मान लें तो वन थर्ड का मतलब एक्स बाई थ्री, फिर एक्स बाई थ्री, फिर एक्स बाई थ्री, तो एक्स बाई थ्री वन थर्ड कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ यू, नेक्स्ट वन थर्ड विद वी, नेक्स्ट वन थर्ड विद डब्ल्यू, ठीक हो गया यहाँ तक। तो आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या है एक्स बाई थ्री प्लस एक्स बाई थ्री प्लस एक्स बाई थ्री, ये रहा, टाइम क्या है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, ये रहा। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा ये एक्स बाई थ्री, एक्स बाई थ्री, एक्स बाई थ्री बाहर आ गया, इन तीनों को ऐड करेंगे तो एक्स आ गया, एक्स और एक्स कैंसल हो गया, तो ये वन बाई थ्री जो है वो रेसिप्रोकल होके थ्री ऊपर चला गया, और नीचे डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम ले लिया यू वी डब्ल्यू, और एलसीएम लेके ये रिजल्ट आ गया, और यू वी डब्ल्यू भी ऊपर चला गया, तो जो आंसर जिस फॉर्मेट में गिवन है वो आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई डाउट इसमें, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर सिक्स में डाउट, सिक्स क्लियर है, तो इसमें क्या गिवन है, साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन फोर मिनट, तो एक चक्कर पूरा काटता है साइक्लिस्ट, तो पहली बात तो ये चार मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना 4 × 60, तो आपको क्या गिवन है व्हाट इज द एवरेज स्पीड और व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन फुल रेवोल्यूशन, पूरे रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, और स्पीड के अंदर टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा सर्कल में 2πr अपॉन टाइम, आपको कितना गिवन है 4 मिनट, 4 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, तो सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, यहां तक हो गया था ये सॉल्व, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम बॉडी ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी वन और सेकेंड हाफ विद वेलोसिटी वी टू। अब लोगों को ये नहीं पता लगता एक्स बाई टू करें कि टी बाई टू करें, उसने कहा टोटल हाफ डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस का मतलब एक्स बाई टू, हाफ टाइम बोलता तो टी बाई टू, हाफ डिस्टेंस एक्स बाई टू विद वेलोसिटी वी वन वी टू, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाई स्पीड, तो ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी क्या होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम में x बाय टू यहाँ से कॉमन आ गया, x से x कैंसिल होके ये फाइनल आंसर आ गया। अब एक स्टूडेंट कह रहा था कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कि मैं चेक कर रहा था कि x बाय टू विद वेलोसिटी v1, x बाय टू विद वेलोसिटी v2, तो क्यों ना मैं फॉर्मूला याद कर लूँ 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, हर बार तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन करने के बाद जैसे मैंने अगला क्वेश्चन करवाया वो इसकी बिल्कुल कॉपी है, तो अगर आप अगले क्वेश्चन को रीड करें, ठीक है, अगले को रीड करें, ठीक, तो सेम क्वेश्चन है, देखो बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 40 एंड 60, वो v1 v2 है 40 60 है, अब हाफ ऑफ द डिस्टेंस का मतलब x बाय टू और टाइम क्या है x बाय टू बाय 40 x बाय टू बाय 60, इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ गया। अब वो स्टूडेंट ये कह रहा था कि ये क्यों कर रहे हैं, सीधा फॉर्मूला नोट कर लेते हैं 2v1 v2 by v1 plus v2, कह रहा है v1 v2 पुट करेंगे आंसर आएगा, गलत नहीं कह रहा, इस क्वेश्चन के लिए आप फॉर्मूला बना सकते हैं, पर जब 6 महीने के बाद मैं ये फॉर्मूला पूछूंगा आप फॉर्मूला बता नहीं पाएंगे कि फॉर्मूला v1 plus v2 by 2 लगाना है कि 2v1 v2 by v1 plus v2 लगाना है, और कल को वो तीन इंटरवल में अगर क्वेश्चन आ गया जैसे अभी कर रहे थे कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस फर्स्ट हाफ टाइम, फिर तो बिल्कुल ही फेल है। तो इसीलिए आपने नोट किया होगा फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला क्या करवाया एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मैं लिखवाने को ये भी लिखवा सकता था पर मुझे मालूम है यहाँ गड़बड़ होनी होनी है,
पर ये कोई नहीं भूल सकता, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो कोई क्वेश्चन आ जाए बस एक ही फॉर्मूला लगेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता। तो जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं टोटल इस एवरेज के, तो मैं एक ही कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम डन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब ट्रेन वाला क्वेश्चन सेम है, ट्रेन मूव विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट 15 मिनट्स। अब एक चीज नोट करो, यूनिफॉर्मिटी चाहिए यूनिट्स में। अगर किलोमीटर पर आवर है तो टाइम भी फिर आवर में लेके चलो, अगर मीटर पर सेकंड है तो टाइम फिर सेकंड में लेके चलो। ये नहीं हो सकता कि ये तो किलोमीटर पर आ रहा है और ये मिनट चलेगा, ये बात सही नहीं। तो इसमें स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है फॉर फर्स्ट 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब 15/60 आर। फिर अगली स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आ रहा है, 15 मिनट का मतलब 15/60 आर। फिर 60 किलोमीटर पर आ रहा है फॉर 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 30/60 आर। क्लियर है यहां तक? तो ये आपके पास क्या आ गया, पूरा ये डायग्राम बन गया। एवरेज स्पीड निकालनी है तो रूल आपको पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है, निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो इसको इससे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। फिर अगला डिस्टेंस निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, अगला डिस्टेंस निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम में क्या? दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये रहा। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 47.5 किलोमीटर पर आंसर आएगा। पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप किलोमीटर पर आर कर रहे हैं तो नीचे आर में लेके चलेंगे, क्योंकि आर आर क्या हो जाएगा? कैंसल। ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे मिनट चलेगा ऊपर किलोमीटर चलेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो नाइन्थ क्लास में हमेशा ऐसा किया भी होगा कुछ। ठीक, नेक्स्ट में सेम क्वेश्चन है। अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ एस वन विद द स्पीड ऑफ वी वन, एस टू विद वी टू। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल अब टाइम। देखो, किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रहा है टाइम छुपा रहा है, किसी में टाइम दे रहा है डिस्टेंस छुपा रहा है। तो आपको कैलकुलेट करना है एक चीज़, तो टाइम क्या होगा? एस वन बाई वी वन। टाइम क्या होगा? एस टू बाई वी टू। यहाँ से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक, सिंपल। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में कितने लोगों को डाउट है? देखो, कितनों का हो गया ये? ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, इसके अंदर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्स की वैल्यू ये गिवन है। इसमें ए और बी कोई नंबर है जिसकी वैल्यू गिवन है 8.5 और 2.5। तो एक काम क्यों नहीं करते, पहले आप इसको पुट कर लो, ए की जगह 8.5, बी की जगह 2.5। तो क्या आ गया? एक्स आ गया, एक्स आ गया। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 and 2 सेकंड। तो कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है? क्या उसने बोला एवरेज? नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोलता तो कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस। क्लियर है यहां तक? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका dx/dt, आप इस पूरे एक्स की जगह यहां पर पुट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? जीरो। 2.5 बाहर आ गया, टी स्क्वायर की क्या होती है? 2t। तो 2t इंटू 2.5 इज 5t। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? 5t। तो उसने पूछा कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बताओ वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने टाइम को 0 पुट किया, वेलोसिटी क्या आ गई? 0। उसने पूछा टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ क्या होगी। मैंने टाइम को 2 पुट किया, वेलोसिटी कितनी आ गई? 10। तो पहला पार्ट क्लियर है। ठीक है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम 2 and 4 सेकंड। अब कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है? एवरेज। एवरेज वर्ड में कभी भी कैलकुलस यूज
नहीं होता, इंस्टेंटेनियस में होता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी बिना कैलकुलस के, यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। ठीक है यहाँ तक? एक्स का फॉर्मूला तो मेरे पास मुझे पता है, तो मैं टाइम 2 सेकेंड पुट करूंगा क्योंकि वेलोसिटी 2 और 4 के बीच में निकालनी है। तो अगर मैं टाइम टी वन 2 सेकेंड पुट करूंगा इस फॉर्मूले में, तो 8.5 प्लस 2.5 इनटू 2 स्क्वायर, तो आंसर x1 आ गया। और अगर मैं टाइम यहां पर 4 पुट करूंगा तो x2 आ गया, तो x1 आ गया और x2 आ गया। कोई डाउट इसमें? ठीक है, x1 x2 आ गया। तो आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। अब आपको x2 पता है, x1 पता है, t2 पता है और t1 पता है, तो यहां वैल्यू पुट करके यहां 15 मीटर पर आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस की थी कि अगर इंस्टेंटेनियस वर्ड आता है तो डिफ्रेंसिएशन कैलकुलस, अगर एवरेज आता है तो कोई कैलकुलस नहीं। ठीक, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? कितने लोगों ट्वेल्थ में डाउट है? कितनों का हो गया ट्वेल्थ? हो गया कोई डाउट ट्वेल्थ में? कितनों ने नहीं किया अभी? नहीं किया, करना। तो क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 18t प्लस 5t स्क्वायर। ट्राई करो 18t प्लस 5t स्क्वायर क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो क्योंकि वर्ड इंस्टेंटेनियस है तो क्या लगेगा, कैलकुलस। तो लगाओ v इज इक्वल टू dx बाय dt। तो ट्राई करो एक बार। तो डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो रूल नंबर 1, आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट टर्म से 18 बच गया क्योंकि dt by dt 1 है और इसकी 2t है, 2t into 5 10t है। तो आपके पास ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला तैयार हो गया। आपको टाइम टी इज इक्वल टू 2 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो आप टाइम को क्या पुट करोगे, 2, तो आंसर आएगा 38 मीटर पर सेकेंड, एक आंसर आ गया। फिर उसने ये पूछा एवरेज वेलोसिटी निकालो 2 और 3 के बीच में। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कैलकुलस यूज नहीं करना, तो क्या करना है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ठीक है, तो आपको इसमें x2 और x1 निकालना पड़ेगा।
क्योंकि एवरेज वेलोसिटी किस में निकालनी है जब टाइम टू और थ्री है, तो आप एक काम करो एक्स वन निकाल लो, जब टाइम कितना है टू, तो आप इस फॉर्मूले में टाइम को टू पुट करो तो क्या आएगा एक्स वन, ये रहा टू पुट करो एक्स वन, और ऐसे ही आप टाइम को अगर इसमें क्या पुट करो थ्री पुट करो तो क्या आएगा एक्स टू। तो ये आपने पुट किया एक्स टू, ये आपने पुट किया एक्स वन, तो एक्स टू एक्स वन टी टू टी वन आंसर, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक, अब निकालनी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला 18 + 10t, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv / dt यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट की 0 और यहां पर क्या आएगा 10। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, 10 मीटर पर सेकंड इज द आंसर, समझ में आ रहा है यहां तक, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये जरूरी इसलिए है। देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एक्स वेरीज एज, ये फॉर्मूला आपको फिर से गिवन है, फाइंड पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू जीरो। पोजीशन क्या होती है, पोजीशन होती है एक्स इज इक्वल एक्स की वैल्यू निकालना, एक्स की वैल्यू निकालना है तो पोजीशन निकालना, तो कब पोजीशन निकालनी है जब टाइम जीरो है, तो आप इस पोजीशन में एक्स के फॉर्मूले में टाइम को क्या पुट कर दो जीरो, आंसर क्या आएगा 25 एक आंसर, पोजीशन आ गई। नेक्स्ट क्या निकालना है, वेलोसिटी, मेंशन नहीं क्या कौन सी वेलोसिटी, तो कौन सी वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट इंस्टेंटेनियस, तो कैलकुलस यूज करके dx / dt x की वैल्यू पुट की, फर्स्ट टर्म के डिफरेंशिएशन, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म कांस्टेंट्स बाहर आ गए, 4 कांस्टेंट 15 कांस्टेंट बाहर आ गया, 25 के डिफरेंशिएशन 0, dt / dt 1 है और ये क्या है 2t, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम को 0 पुट करो क्योंकि उसमें वेलोसिटी पूछी एट टाइम t = 0, तो आपके पास आंसर क्या आया -15। ये स्टेप भी क्लियर है। फिर उसने पूछा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अब कई लोगों की बड़ी कॉमन मिस्टेक है, सुन लो, बहुत लोग करेंगे, 50% बच्चे करेंगे टेस्ट में, देखना, वो कहेंगे वेलोसिटी तो आ गई -15, मैंने पूछी एक्सेलरेशन कौन सी, इंस्टेंटेनियस, डिफरेंशिएट कर दो, पता है किसे डिफरेंशिएट करेंगे -15 को, फिर कहेंगे एक्सेलरेशन क्या आ गई 0, और उनका हर क्वेश्चन में 0 मिलेगा आंसर, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना ही नहीं है, आपको किसे करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को करना है, फिक्स्ड वैल्यू को नहीं करना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, टाइम डिपेंडेंट क्या है, 80 - 15, ये तो एक पार्ट पूछा उसने, t = 0 पे बताओ क्या है, वो तो निकाल दिया, वापस आ जाओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस, जब हम वर्ड इंस्टेंटेनियस बोलते हैं ना तो उसमें टाइम आता है, किसी टाइम पे, फिक्स्ड वैल्यू तो नहीं आती उसमें, तो यहां पर आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 कांस्टेंट है dt / dt 1 और 15 की डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर क्या आएगा 8, विच इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इसमें क्या आ रही है कांस्टेंट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, और इस क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि क्या एक्सेलरेशन इसमें यूनिफॉर्म होगी, हाँ यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होगी, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कितनी है 8 मीटर पर, और टाइम हर किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रही, हमेशा क्या है 8 8 8 एंड 8, कोई डाउट इसमें, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक,
अब वो कह रहा है कि टाइम बताओ इस क्वेश्चन में, टाइम बताओ, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, नहीं व्हेन विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो, कौन सी वेलोसिटी जीरो करनी है भाई, डिमेंशन नहीं तो कौन सी, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला 80 - 15, तो v को उठा के क्या पुट करेंगे, जीरो, तो यहां से टाइम आएगा, तो इतने टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, ठीक, ठीक, देखो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, अब इस बार क्या दी उसने, x की वैल्यू नहीं दी, इस बार क्या दी, v दी, ये कौन सी वेलोसिटी है, एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी है, क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज निकाल लो, वेलोसिटी का चेंज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम इंटरवल 2 और 4 सेकंड में, मुझे एक बात बताओ, मुझे इसमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो क्या मैं इसमें कैलकुलस यूज करूं, क्यों, क्योंकि उसने एक्सेलरेशन पूछा ही नहीं, अभी उसने क्या पूछा, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो दे ही दिया उसने, हम टाइम को पुट करेंगे 2 सेकंड तो वी वन आ जाएगा, हम इसमें टाइम को पुट करेंगे 4 सेकंड तो वी टू आ जाएगा, उसने क्या पूछा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, आंसर इज 24 मीटर पर सेकंड, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये चेंज इन वेलोसिटी आएगी, तो इसमें कुछ कैलकुलस कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट चेंज इन वेलोसिटी, उसने पूछा सेकंड पार्ट में एवरेज एक्सेलरेशन इंटरवल में क्या है, एवरेज वर्ड में कैलकुलस यूज नहीं करना, तो एवरेज में क्या है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, अब डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी हम ऊपर वाले पार्ट से निकाल चुके हैं, और टाइम क्या है, 4 - 2, आंसर क्या आएगा, 12, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक, तो आपके पास आंसर एवरेज एक्सेलेरेशन का आ गया, अब वो कह रहा है फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, जब टाइम की वैल्यू 4 है, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के लिए आपको क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डीवी बाय डीटी, अब वी का फॉर्मूला कहां से आएगा, गिवन है इसमें, क्योंकि एक्स अगर गिवन होता तो हमें डिफरेंशिएट करके वी निकालना होता, इसमें ऑलरेडी वी गिवन है, और अगर वी गिवन है तो डीवी बाय डीटी, तो डिफरेंशिएट करो 2, इसकी डिफरेंशिएशन 2t और कांस्टेंट की 0, तो आपके पास क्या आएगा 4t, तो टाइम को एंड में क्या पुट करेंगे 4, तो आंसर क्या आएगा 16 m/s², कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, ठीक ठीक है, कोई डाउट, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, ए की वैल्यू उसने हमें दे दी, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 2 एट टाइम t इज इक्वल टू 0, फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, आप सिर्फ ये बताओ मुझे दिया क्या उसने, एक्सेलरेशन, पूछा क्या हमसे, वेलोसिटी, तो क्या करें, डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ए से वी पे जाना है तो इंटीग्रेशन, वी से ए पे जाना है तो वी की डिफरेंशिएशन, सिंपल, तो और वैसे भी यार एक बात बताओ, तुम ए को डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे भी क्या, डीए बाय डीटी तो मैंने कुछ करवाया ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं इसमें, तो मैंने ऑब्वियसली क्या कर, वापस जाना पड़ेगा, तो ए को क्या लिखेंगे, डीवी बाय डीटी, तो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है कब, जब टाइम क्या है 2 सेकंड, तो dv एक्सेलरेशन को dv बाय dt,
इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे। लास्ट टाइम इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगानी सिखाई थी, कैसे? टाइम की लिमिट क्या थी? टाइम की लिमिट में टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे से लेके टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो टाइम की लिमिट क्या लग रही है? 0 से 2। टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी की लिमिट क्या है? 2, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, फाइनल हमें निकालनी है, तो लिमिट क्या लगेगी? 2 से भी, ठीक है यहां तक? तो इनिशियल फाइनल लगानी सिखाई थी। 1 dV की इंटीग्रेशन v, 3 कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है और 2 यहां भी कॉन्स्टेंट है, तो 1 dV की इंटीग्रेशन v, टी स्क्वायर की टी क्यूब बाई 3, टी की टी स्क्वायर बाई 2 और 1 dt इज टी। तो 0 से यहां पर एक बार v की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, यहां पर एक बार t की जगह 2 और एक बार 0, और ऐसे यहां पर t की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो सॉल्व करके आपका आंसर क्या आएगा? 18। लास्ट टाइम मैंने कैलकुलेट भी किया था और शायद मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर रखे अपनी हैंड रिटन के अंदर, ठीक है? तो मेथड समझ में आ रहा है? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, क्या हुआ ये हैनिटन के अंदर हमने ऑलरेडी किया हुआ है क्वेश्चन सेम। डिस्प्लेसमेंट एक्स गिवन है, ऑब्टेन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके ये वेलोसिटी आएगी, टाइम को क्या पुट कर देंगे? 2 सेकेंड, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अब फिर सेम मिस्टेक, जब मैं कहूंगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन निकालो तो लोग तो क्या करेंगे? कहेंगे वेलोसिटी तो आ गई 36, इसको डिफरेंशिएट कर दो, आंसर क्या आएगा? 0। गलत, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के लिए, क्योंकि तो किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी है, ये हर वक्त की वेलोसिटी थोड़ी ना है, हर वक्त की इंस्टेंट की वेलोसिटी कितनी है? 14t+ है। तो एक्सेलेरेशन इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए वी को क्या पुट करेंगे? 14t+8, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dt/dt क्या आएगा? 1, और कॉन्स्टेंट कीजिए तो आंसर 14। तो मेथड समझ में आ रहा है यहां तक?